सॉफ्टवेयर शामिल करेंगे। जहराबाद के निजी स्कूल में एक सेमिनार का इनाकाद किया गया, जिसमें मैं रफीक अहमद सब इंस्पेक्टर इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब और तारिक नईम हेड कांस्टेबल ने ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी हेलमेट के इस्तेमाल के मुतालिक बच्चों को आगाही लेक्चर दिया। लेक्चर से मुतालिक सवाल भी किए गए और स्टाफ के सवाल के जवाब भी दिए गए। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम सरवर शहीद लाइब्रेरी चौक चौराबाद में मदनी दस्तरखान का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर खुशाब मोहम्मद हमजा सालिक ने फीता आकाश पर मदनी दस्तरखान का इफ्तिताह किया। हुकूमत पंजाब के प्रोग्राम के मुताबिक इस मदनी दस्तरखान से रोजाना दोपहर के चाय मुस्तक अफराद खाने से मुस्तफीद होंगे। डिप्टी कमिश्नर खुशाब मोहम्मद हमजा सालिक ने वहाँ पर मौजूद अफराद के साथ बैठ कर खाना खाया। सिंध हुकूमत की जानिब से लाड़काना में बड़ा मंसूबा, बिलावल भुट्टो इफ्तिताह करेंगे। लाड़काना शहर की 6 लाख तक आबादी पर मुश्तमिल 20 यूनियन कमेटी और 4 टाउन्स के घर घर से चीनी कंपनी योमिया 400 टन कचरा उठाएगी। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं मुलाजिम हुसैन कलंत्री। जी मैं आगा करता चलूँ, सिंध हुकूमत की जानिब से लाड़काना में सिंध साल वेस्ट मैनेजमेंट का बड़ा मंसूबा, आज बिलावल भुट्टो जरदारी इफ्तार करेंगी। लाड़काना शहर के 6 लाख तक की आबादी पर मुश्तमिल 20 यूनियन कमेटियां और 4 टाउन के घर घर से चीनी कंपनियों में 400 टन कचरा उठाएगी। लाड़काना में सिंध साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की मंसूबे से सैकड़ों मकामी अफराद को रोज़गार के मौके मिलेंगी और इससे ज़्यादा से ज़्यादातर फ़ायदा मुकामी लोगों को होगा। जो इस मंसूबे का इब्तदा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेंगी। कैमरा मैन टीम के साथ मुलाजम हुसैन करंदी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NN24 लाड़काना से। असिस्टेंट कमिश्नर हरनाइस सरदार अब्दुल मजीद ने अचानक निजी हॉस्पिटल का विजिट किया। अस्पताल में स्टाफ की हाल से एक्सरे रूम और EPI सेंटर को चेक किया। स्टाफ से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि आप लोगों का ताल्लुक एक ऐसे शोबे से है जिसमें इंसानियत की खिदमत पेश है। हरनाई से मुसलसल प्लेयर शामिल करेंगे। हरनाई में पहला ऑल बलोचिस्तान मरहूम बाबुल चांद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट। हरनाई के दूसरे मैच में हयात शहीद फुटबॉल क्लब हरनाई ने इस्लामाबाद यूनाइटेड फुटबॉल क्लब हरनाई को 1-0 गोल से शिकस्त देकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। दोनों टीमों ने एक दूसरे के गोल पोस्ट पर ताबड़तोड़ हमले किए, तहम आखिरकार ये मैच हयात शहीद फुटबॉल क्लब ने अपने नाम कर लिया। मांझीपुर से प्लेयर शामिल करेंगे। माजिद अली खोसा के रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन कमीशन को एचआर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निजामुद्दीन मेंगल का 8th क्लास के जारी इम्तहानात के सिलसिले में मांझीपुर सेंटर का विजिट। दौरे के तासरात बयान करते हुए इन्होंने कहा कि मांझीपुर सेंटर तमाम बेहतरीन रहा, बेहतरीन नज्म व ज़ब्त पर सेंटर सुपरिटेंडेंट मोहम्मद जमान खोखर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद बका खोसा और दीगर अमला की भी तारीफ की। इस मौका पर इनके हमराह सिला सावतपुर बैक के रजिस्ट्रार मोहम्मद सलाह पन्होर और दीगर भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद की हिदायत पर जेर निगरानी DSP सदर सर्कल मोहम्मद खालिद मलिक मोहल्ला खोखर आबाद में और झुग्गियों में सर्च ऑपरेशन जारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा राना खुरम शहजाद। जी खुरम शहजाद, आगाह कीजिएगा क्या तफसीला। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी भाउद्दीन अनवर सईद किंगरा की हिदायत पर जेर निगरानी DSP सदर सर्कल मोहम्मद खालिद मलिक मोहल्ला खोखराबाद में आबाद और झुग्गियों में सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन में SHO सिटी, SHO सिविल लाइन और सदर सर्कल नफरी समेत एलिट फोर्स CTD लेडीज पुलिस ट्रैफिक पुलिस और दीगर पुलिस की भारी नफरी ने शिरकत की। सर्च ऑपरेशन का मकसद मशकूक अफराद पर नज़र रखना और निशानदेही करके कार्रवाई करना है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद किंगरा का कहना है कि अमन व अमान की क्याम के लिए तमाम कोशिश बरोकार ला रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ राणा खुरम शहजाद, NN24 न्यूज़, मंडी बाउद्दीन। जी खुरम शहजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। शामिल करेंगे सावतपुर से जाफर खान पनवानी की रिपोर्ट के मुताबिक DIG पुलिस ने इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड परवेज अहमद चाटियों ने अर्थरी रूम का इनका किया। अर्थरी रूम में मुलाजमीन अपने तबादले, सर्विस बहाली और दीगर मसाइल पेश किए, जिन्हें सुनकर DIG पुलिस ने इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड परवेज अहमद चाटियों ने मुनासिब अहकाम जारी किए। इस मौका पर ATIG पुलिस ने इस्लामाबाद अमीर चांद बख्शी, असिस्टेंट डायरेक्टर हाजी सलाहुद्दीन बहरानी और परवेज अहमद बख्शी भी मौजूद थे।
नवीद कुचर की रिपोर्ट के मुताबिक टॉबा टेक सिंह में इंतजामिया की मुबशना गफलत और लापरवाही। टॉबा टेक सिंह में तजावजात की भरमार। सदर बाजार समेत मुतादद बाजारों में कब्जा माफिया का राज बरकरार। शहर में तजावजात की वजह से राहगीरों को खवातीन को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि बार बार शिकायत दर्ज करवाई गई मगर कोई भी कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।